महाराष्ट्र में नई सरकार बनने के बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। इसी बीच एलजेपी के सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने किसी पार्टी और नेता का नाम लिए बगैर ट्वीट कर निशाना साधते हुए कहा कि सड़क पर वही जानवर मरता है जो निर्णय नहीं लेता है। बता दें कि जब से महाराष्ट्र में बीजेपी ने अजीत पवार के सहयोग से नई सरकार का गठन किया है, तब से बिहार के नेता ट्वीट कर अपनी भावनाओं को जाहिर कर रहे हैं। सबसे पहले उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत पर तंज कसा था। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि उन्हें शिवसेना के चाणक्य कहे जाने वाले संजय राउत के ट्वीट का इंतजार है। पीएम मोदी ने कहा कि वो देखना चाहते हैं कि महाराष्ट्र की इस नई सरकार पर राउत क्या प्रतिक्रिया देते हैं। सुशील कुमार मोदी के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी बयान सामने आया था। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से शिवसेना पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का नाम लिए बिना कहा कि ज़्यादा लोभ और अहंकार नाश का कारण होता है। साथ ही उन्होंने कहा था कि अब सिर्फ तमाशा देखो। गौरतलब है कि तमाम अटकलों और कयासों के बीच महाराष्ट्र में बीजेपी एनसीपी के साथ मिलकर नई सरकार का गठन कर लिया है। बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार सुबह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से शपथ ले ली। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उन्हें शपथ दिलाई। साथ ही एनसीपी के अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। नेक्स्ट नाइन भोजपुरी से रोहित की रिपोर्ट। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।